11 महीने की दुल्हन ने कर ली खुदकुशी। तफसीलात के मुताबिक शहर हैदराबाद के इलाके टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में महबूब कॉलोनी इलाके में एक 11 महीने की दुल्हन ने खुदकुशी कर ली। मियां बीवी में मोबाइल को लेकर मामूली सी बात में बहस व तकरार हुई, जिसके बाद उस लड़की ने ये इंतहाई कदम उठाया। आइए देखते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात। अच्छे क्या बने थे तो मालूम हो जाएगा आपके अंदर, क्योंकि इंक्वायरी करेगी पुलिस, उससे मालूम हो जाएगा जो भी है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन आपका होगा। लेकिन ये बस्ती वालों के अंदर जैसा हम इसलिए पूछे आपको सवाल करें कि हम अल्लाह ना करे फिर लड़की वाले जैसा आएंगे कि जैसा वो लोग आएंगे वो जज्बात में आएंगे तो कौन उनको आपसे रोकेगा? बहुत गुस्से में रहते आप, ये कैसा हादसा हुआ? कौन आप में उनमें जब लिटिगेशन था दोनों फैमिली में अंदर एकदम लड़ाई झगड़ा होता था, आपस में बहस तकरार होती थी, पहले से ये झगड़े चलते थे आपके मियां बीवी के अंदर, तो उलट नहीं मानेंगे फांसी ली बोल दो? शायद हो सकता है आप डाले बोल के बोलेंगे लड़की वाले। रो रहा था मैं बर्दाश्त में सबको फोन लगा रहा। अरे यारो इतनी बड़ी बस्ती है यहाँ पर हमारी बस्ती के अंदर, आप जब आवाज क्यों नहीं दिए? जब फांसी ले ली आपकी बीवी तो आप मकानदार आप ना मकानदार को आज दिए ना बाहर निकल के किसी ने मकानदार लेते बीच में तो घर के अंदर बाहर निकल के किसी को घर में अड़ो पड़ोस बर्दाश्त नहीं भैया, मेरे को बर्दाश्त नहीं, उसके रो रह के उसको फोन करा। मैं किसको फोन करे? मेरे भाई मेरे बहन सबको फोन करके किसको करे? पहला फोन किसको करे? आप क्या करे फिर आगे? आए थे पूरा आपकी बीवी से कुछ बहस वगैरह तकरार हुई थी फोन के तालुक से हुई? आप फोन इस्तेमाल ऐसा नहीं करना जो भी बोले आपकी बीवी को बोले थे आप, तब उसके बाद जाने के बाद एक बार भी कॉल करें बीवी को, आप कैसे है क्या है, कुछ नाश्ता करे लंच करे बोल के पूछे? ऐसा नहीं बोल रहा साहब, मैं जब आपसे नाराजगी हुई थी सुबह में फोन के तालुक से, तो सुबह में या दोपहर में नाश्ता नहीं करे थे उन्होंने या करे नहीं करे छोड़ दीजिए, लंच करे नहीं करे बोले कॉल करके बात पूछे? फोन नहीं करा मैं, नहीं करे क्यों? फोन नहीं करा मैं, अभी भी नाराज बाद में बन जाते बोल के मैं चुपचाप बैठा हूँ। पैसा तो अब तो अब चले गए दुनिया चले गए, अब तो नाराज नहीं हो सकते उन्होंने? नहीं उन्होंने ऐसा नहीं करना, तो उनके वास्ते में कतर छोड़ के आया था वासी भाई, वहां से छोड़ के आया था ऐसा हम ऐसा अच्छे से रहते बोल के हम वहां से भाग गया फाइनल पे। हाँ भाई आप बड़े भाई मैं फाइनल पे हम के वास्ते में वहां से अब जो है पर्दा देखे, आप तो अपनी बयान दे दिए जो भी था, लेकिन कब आए थे वापस आप? मैं शाम में आया, कुछ आया शाम रात में 7 बजे नहीं अभी अभी 7 अब मगरिब के टाइम है। कहाँ गए, क्यों गए थे? बहन के पास गया था, कभी आते जाते कतर से आना मैं थोड़ा घर पे बैठे के बाद क्या देखिए आप आने के बाद? आने के बाद पूरे दरवाजा खुले थे। कौन से दरवाजे खुले? पूरे दरवाजा खुले, विंडो भी खुला था। अच्छा विंडो भी खुला था, खाली पर्दा डाल के था। अच्छा और दरवाजा बंद था। ओके हाँ, तो अंदर सो रहे होंगे ना, मैं क्या करा मालूम है, छत पे गया कि कुछ फायदा करा फिर क्या करा। आपका कमरा कहाँ पर है? अंदर एंट्रेंस हुए आप? मेरा कमरा इधर है। तो उन्होंने कहाँ फांसी लिए? वो अंदर के अलमारी अंदर के रूम, अंदर के बेडरूम में आपके? हाँ बेडरूम में लिए, नहीं दूसरा रूम है और एक खाली स्टोर रूम के अंदर ले लिए। अच्छा वहाँ पर फांसी किससे लिए फांसी उन्होंने? ड्रम है। हाँ ड्रम ड्रम है वो, और वंडी से ठहर के करके लिए। ओढ़नी है क्या, रस्सी है क्या है? वंडी से लिए। आप क्या करे फिर? मैं देखो ऐसा नहीं पूरे बोलिए, मैं क्या कर रहा हूँ, काफी टाइम हो गया मैं इसको जाके आया था। क्या नहीं करें, दरवाजा बंद था अंदर से? अंदर से बंद था। कौन सा दरवाजा बंद था? जिस रूम में उन्होंने फांसी लिए वो रूम बंद था अंदर से? बंद था। ओके फिर बिल्किस खोलो, बिल्किस खोलो, मैं फोना भी करा मैं। अच्छा वो टूटा हुआ फोन था जी, हाँ उस सैमसंग पे फोना करा उस पे, बोले बिल्किस खोलो, बोलते नहीं आवाज नहीं आई, तो मेरे चीज झांके देखा, मारा धड़ धड़ आवाज को मारा मैं, नहीं खोले। तो हुआ क्या फिर? दरवाजा तोड़ के निकाला मैं, तोड़े का क्या देखा? दरवाजा फांसी लगी थी, फांसी लगी हुई थी। अच्छा फांसी लगी हुई थी, मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं ऐसा बहरे में समय बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं निकाल के नहीं खोल रहा था, चारों से कट करके नीचे निकाल के हाथी खोला यहाँ पे मैं। अरे फोन पे ऐसा खाली बस गुस्सा बहन के चले गया। कौन गुस्सा करे थे?
छोटी वैसा फोन भेजते वैसा जान भेजने का फोन है आईफोन मेरा आईफोन है आपकी बीवी आपका फोन इस्तेमाल करे जी जी इस्तेमाल करे तो क्या हुआ वो डैमेज हुआ कुछ वो गिलास रहता ना ऊपर का ऊपर डैमेज हुआ ऊपर का ऐसा नेगेटिव अच्छे इस्तेमाल करो ऐसा बोला उनको प्यार से बोला उनको ऐसा इस्तेमाल करते महंगे वाला फोन है अच्छे से इस्तेमाल करके यहाँ तक बोला समझा के करके मैं बहन के घर को चले गया कब हुई बहस थी आपस में आप दोनों की सुबह क्या टाइम पे बहस हुई थी सुबह में पहले से मतलब बहस चले तो मैं बाहर से आ गया ऐसी आपको पहले से टॉर्चर कर देते कि आप आ जाओ इंडिया आपको नहीं तो मर जाऊंगी करूंगी ऐसा बोलते थे मैं आगे एक महीना अच्छा आज क्या हुआ सुबह आपके जिसके हादसा हुआ आज सुबह से क्या हुआ आज सुबह दोनों की बहस क्या हुई फोन के तरफ से बस थोड़े से फोन उन्होंने आपका फोन इस्तेमाल करें बस थोड़ा गुस्सा कर रहे थे की क्या गुस्सा करे आप उनको जी ऐसा इस्तेमाल नहीं करते महंगा वाला फोन है अच्छे से इस्तेमाल करो इस्तेमाल नहीं करना डैमेज नहीं करना सर अच्छी डैमेज नहीं करना डैमेज अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो क्या बोला महंगा वाला फोन है क्या बोला तो बोला इतना बोल के बस दोनों बहस हुई दोनों ने फिर बस उन्हें खाली उन्हें खामोश बढ़ गया इस बाजू में अच्छा फोन ले लिया बाजू बढ़ गया चुपचाप बढ़ गया अच्छा तो मैं फोन आईफोन पे रखे गया था मेरा जब सैमसंग का फोन उनके पास फोन था आपकी बीवी के पास हाँ घर का मोबाइल था आपका फोन क्यों लिया नहीं नहीं तीन फोन आए हॉटस्पॉट ओपन करने हॉटस्पॉट खोलने के लिए हॉटस्पॉट ओपन करके मैं उन्होंने यूट्यूब चलाते अच्छा आपके फोन से हॉटस्पॉट उन्होंने फोन में फोन डैमेज है वो अच्छा नहीं दिखता होगा क्या करें मैंने फोन इस्तेमाल करता है फोन जी तो देखने का बोला मैं देखा तो गिलास जगह जगह से डैमेज ऐसा इस्तेमाल नहीं करते मैं समझाया उनको बस उन्होंने कोने में बैठ गया नाराज होके मेरे नाराज होकर बैठ गया इस बारे में फोन के बारे में फोन डैमेज नहीं करना ऐसा बहुत महंगा वाला फोन आप बात करें तो बात करें तो खामोश होकर कोने में बैठ गया बैठ गया उसके बाद क्या हुआ फिर ऐसे जो नाराज होते हैं कभी मेरे को धमकी डालते हैं बनने की धमकी डालते हैं अच्छा ऐसे जो नाराज ऐसा नाराज हुए होंगे छोटे मोटे बाद में से मान जाते हैं बोल के आप क्या करें? आप क्या करें? मैं बहन के घर को गया मैं कब गए बहन के घर को आप मैं शायद 10 बजे एक दूसरे में नाराज की कब हुई क्या टाइम पे हुई थी आपकी उनकी 10 बजे शायद कुछ सुबह 10 बजे के टाइम देखा ना मैं 10 बजे 11 बजे के टाइम दौरान हुआ 11:30 12 के बीच में शायद हुआ रहमतुल्लाहि वबरकातुहु अफसोस सद अफसोस एक वाकया महबूब कॉलोनी में मैं यहाँ से गुजर रहा था अभी मेरे को एक इतला मिली कि महबूब कॉलोनी में एक लड़की उसका नाम बिलकिस बेगम है और वो लोग कर्नाटक के हैं महबूब कॉलोनी के अंदर बशीर साहब के घर में किराए से उतरे हुए हैं दोनों ये लड़का और लड़की दोनों भी कर्नाटक से है कुछ देर पहले इतला मिलने पर हम लोग जाकर देखे बस्ती वाले मेरे साथ मुसाव भाई है हमारे इलियास वगैरह हमारे बस्ती के नौजवान पूरे बस्ती के अब्दुलरहीम ये सब मिलकर जो है ना यहाँ पर देखे कि यह फांसी ली बच्ची एक फांसी लेकर उसका इंतकाल हो गया बच्ची का तब जब लड़के से हम लोग की दरियाफ़ किए किस तरीके से इंतकाल हुआ तो बोले कि सुबह मामूली छोटी सी बात के ऊपर मोबाइल के ताल्लुक से दोनों में शायद पहले से कुछ ना कुछ मसले मसाइल होंगे लेकिन अभी जो हमको इतला मिली लड़के से बात करने पर कि लड़का वाला कोई छोटी सी बात खाली मेरी उनकी बहस हुई मोबाइल था आईफोन वो मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे जिसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह पड़ गए तो बोला कि फ़ोन कैसा इस्तेमाल करना आपको नहीं मालूम ये भारी फ़ोन है उस दौरान में दोनों की मियाँ बीवी की बहस हुई उसके बाद लड़का जो है ना घर से निकल कर अपनी बहन कन चले गया जाने के बाद सुबह में ये वाकया हुआ उसके बाद फिर लड़का जो है ना वापस मगरिब के टाइम आया तो बोला दरवाजे खुले हुए थे और एक लास्ट का रूम है जिसके अंदर वो लड़की जो है ना फांसी डाल ली थी मैं खटका मार रहा हूँ तो दरवाज़ा नहीं खो रहे थे दरवाज़ा तोड़ कर लड़के का नाम सईद है सईद पटेल कर्नाटक से है वो लड़का अब ये बता रहा उसके बयानी ये है कि लड़के की कि वो बोलता है कि मैं दरवाजे पे खटका मारा दरवाज़ा नहीं खुलने की सूरत में दरवाज़ा तोड़कर अंदर गया वो अंदर जाके देखा तो क्या है लड़की फांसी ली हुई थी ओढ़नी से ड्रम नीचे रखा हुआ है कुछ जिस तरीके से वो बता रहा बच्चा उसकी बयानी है ये ऐसा ये वाकया गुजरा हमारे एरिए के अंदर बहुत नाकाबिल बर्दाश्त है बहुत हमारे एरिए के अंदर बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ ये हम इसकी सख्त मसम्मत करते हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे बच्चियों में अल्लाह ताला हिदायत दे और ऐसी चीज़ों से हाँ बहुत एहतियात करना है कि लड़की मियाँ बीवी में मोहब्बत होना चाहिए शादी होकर सिर्फ एक साल हुआ ही है एक साल के बाद गांव में शादी हुई कोई मन्ना के लिए गाँव है वहाँ से शादी होकर ये लोग यहाँ पर आए और उनके सास ससुरे साथ रहते लेकिन इत्तेफाक से कहीं सास भी नहीं थे मकान में और ससुरे भी नहीं थे लड़की अकेली थी छोटी सी बात पर लड़की फांसी लेकर अपनी जान दे दी
अल्लाह ताला इसको माफ़ करे लड़की को। और ये क्या सही है क्या गलत है, लड़की की बयानी ये है, लड़की वाले भी गांव से आना बाकी है, ये वाकया हुआ गुजरा है, हम इसकी मजम्मत सख्त मजम्मत करते हैं। और तमाम एक मैसेज देना चाह रहा हूँ तमाम माँ लड़कियों को, वो कि ऐसे छोटे से मसले मसाइल के अंदर अपनी जान ना